गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम फिंगर प्रिंट से एक्वेरियम बनाएंगे। तो आपको ओनली लिखना है यहाँ पे फिंगर प्रिंट आर्ट। टॉपिक नंबर इज 7। ओके, यहाँ पे टॉपिक नेम और यहाँ पे आज की डेट। ओके, तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हमें कोई भी कलर, यानी कि ऑक्टोपस का कलर हम लेने वाले हैं, ऑक्टोपस बनाने वाले हैं एक्वेरियम में। तो ऑक्टोपस के लिए मैं वायलेट कलर लूँगी। ओके, दूसरा ऑक्टोपस। ओके, फिर ब्रश को धो के, फिंगर को भी धो के, हम फिश बनाएंगे। फिश का कलर हम येलो लेंगे। आपको याद रखना है कि आप जो कलर ले रहे हो उसको यहाँ से ऐसे गोल में करना है, ऐसे यहाँ पे ऐसे फिल नहीं कर देना है, पूरा ये ओवल शेप में लेना है। फिश के लिए आप अलग अलग कलर ले सकते हो। ओके, अब हम क्रैब बनाएंगे। क्रैब का कलर हम ग्रीन लेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ग्रीन ही लो, आप अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हो, ऑकर कलर भी ले सकते हो। मैं डार्क ग्रीन कलर ले रही हूँ। क्रैब का हमेशा ऐसे स्लिपिंग में रखना है। ओके,
आप एक से ज़्यादा क्रेप बना सकते हो। ओके, ये हमारी फिंगरप्रिंट का सारा काम कंप्लीट हो गया है। अब हमें स्केच पेन से इसके शेप्स ड्रॉ देने हैं। हम सब शेप अलग अलग कलर से देंगे। ओके, जैसे फिश है, फिश में हमें ब्लैक कलर ही ले रही हूँ। ओके, यहाँ पे भी मैं ब्लैक कलर, फिश में साथ सब जगह पे मैं ब्लैक ही ले रही हूँ। ऐसा नहीं, आपको रेड से करना हो तो भी अच्छा दिखेगा। जैसे ओके, जैसे इसके साथ मैं ऑरेंज कलर लूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, या ब्राउन लो भी तो भी अच्छा लगेगा येलो के साथ। ओके, ये हमारी फिश रेडी हो गई। इसके अंदर आप लोगों को मैं नहीं करूँगी, आप लोगों को जैसे जैसा कलर किया है, यहाँ पे मैंने रेड किया है तो रेड कलर का मैं क्रेयॉन्स करूँगी। ओके, मैं आप लोगों को करके नहीं दिखा रही हूँ, आपको खुद को करना है। ओके, हो गया। अब आगे हम वायलेट कलर लिया है तो वायलेट कलर के लिए ऑक्टोपस बनाएंगे। ऐसे ही आप लोगों को इसमें कलर फिल करना है। ओके, और स्माइली और इसकी यहाँ पे आईज, वो सारा हम ब्लैक कलर से करेंगे। ओके, अब हमें क्रैब का शेप ड्रॉ करना है। उसके लिए हम लाइट ग्रीन कलर की स्केच पेन लेंगे और क्रैब के पैर ऐसे ड्रॉ करेंगे। आपको सीधा नहीं फा रहा है तो उसी पेंसिल से पहले ड्रॉ करना, उसके बाद ही करना। मेरे
मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे नहीं करना है, ओके। आईज और स्माइलिंग, आईज और स्माइलिंग। ओके, ये हमारा हो गया है। अब हम पेंसिल से क्रैब पानी में कम तैरते हैं, वो ज़मीन पर ज़्यादा नीचे की साइड बैठते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे ज़मीन दिखाएंगे, पानी के अंदर जो होती है वो, ओके। और यहाँ पे पानी के अंदर जो ग्रीनरी होती है वो दिखाएंगे। वो कैसे करना है, ऐसे कर्व और उसके ऑपोजिट में दूसरे कर्व, उसके बाजू में एक और, ओके। ऐसे ही हमें यहाँ पे भी दिखाना है, यहाँ पे हम बड़े दिखाते हैं। ओके, इसके अलावा हम छोटे छोटे यहाँ पे स्टोन दिखाएंगे। ओके, यहाँ पे अलग अलग जगह पे स्टोन पड़े ऐसे दिखाएंगे, ऐसे स्टोन दिखाएंगे। ओके, अब यहाँ पे, अब ये ब्लैक स्केच पेन से हम बॉर्डर कर रही हैं। उसके बाद ही आपको इसमें कलर करना है। इस टाइम मैं क्रेयॉन्स आप लोगों को करके नहीं दिखा रही हूँ, आपको खुद करना है सब जगह पे ऐसे बॉर्डर करके। ओके, कलर मैं बोल देती हूँ। यहाँ पे लाइट ग्रीन, स्टोन में ब्राउन, जो सारे स्टोन हैं उसमें सब में ब्राउन। आपके पास ऑकर कलर नहीं है तो यहाँ पे येलो या ब्राउन कर सकते हो, लाइट ब्राउन, लाइट ब्राउन। यहाँ पे जैसे इस ग्रीन में यहाँ पे जो ग्रीनरी है उस वैसे ही यहाँ पे भी लाइट ग्रीन। ओके, और बैकग्राउंड में आप लोगों को लाइट ब्लू कलर फिल करना है, एकदम से लाइट ब्लू फिल करना है। इतना करके मुझे सेंड करना है। ओके,